बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारी YouTube फैमिली को हमारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और अभी अब हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और ये भाई साहब भी आपको ईद मुबारक बोल रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ईद की नमाज के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, और अभी चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और आप भी आ जाए। ईद की नमाज पढ़ने के बाद ईद मिली जा रही है, और जो मेरे से ईद मिल रही है, जो सिर्फ ईद के ईद ना आते हैं, ठीक है। और आज इनसे अच्छी खुशबू आ रही है, और साथ में है ये वाले बड़े भाई साहब। ईद मुबारक कहते हैं आप, ठीक है, अल्लाह खैर करे। बस आज आज ये भी नमाज पढ़ के हैं वैसे। अच्छा, हर ईद पढ़ते हैं। ये हमारा मॉडल है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से ये मॉडल है, लेकिन देखते हैं कैसे हैं ये भाई साहब। ईद की नमाज पढ़ने के बाद अब ये सारी जो पार्टी इकट्ठी है, ईदी बकरा ईद पे ईदी नहीं होती, बकरा ईद पे सिर्फ गोश्त होता है, तो वो भी अभी कुर्बानी करेंगे, दुआ करें अल्लाह की दाद उसे कबूल करें। और बड़ी मेहनत की है इस बच्चे ने, बेड़े शेड़े लेने में, बकरा लेने में बहुत मेहनत की है। बस चीज़ें लाने के लिए मेहनत करता है, बाद में ये गायब हो जाता है, फिर बाद में फिर अब्बू संभालते हैं सब कुछ, ऐसे ही है ना। हाँ हाँ हाँ, तो चलें अब मैं चलता हूँ घर की तरफ, तो घर चलते हैं, फिर घर चल के गपशप होती है। ये आप देख रहे हैं, ये है असल ईद का मज़ा। सुबह सुबह ईद हो और अगर पूरी हलवे का नाश्ता ना हो तो मज़ा नहीं आता। अरे ये देखें, ये ठगाडक ठगाडक पूड़ियाँ जा रही हैं कढ़ाई में, और पूड़ियाँ रेडी हो रही हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, एक मिनट कि आप लाइन मुलाजा फरमाएं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है पूड़ियाँ लेने के लिए। ओहो हो, गर्मा गर्म पूड़ी और ठक करके गई कढ़ाई में, और अब गर्मा गर्म ये बाहर आएगी। ये वाला नाश्ता मिलता है, ठीक है, जिसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आखिरकार हमारी बारी आ ही गई है। ये जी, अपने माना जी के क्या लगते हैं आप? भांजे। ये जी अपने माना जी के भांजे, और ये वाम आ जाइए बहुत ज्यादा लेट। पहले कभी ये 6-7 बजे आ जाते थे, आज इन्होंने 12-1 बजे आ दिए, तो इनके लेट होने की वजह से बड़ी चीजें आगे पीछे हो गई है, लेकिन फिर भी इनकी मेहरबानी है, इनकी मोहब्बत है, ये आ गए। तो अब ये मामला सब आपके सामने चल रहे हैं, अब माना जी का पीछे वेट हम कर ही रहे हैं थोड़ा सा कि वो आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फोटो बना रहे ये है जी माना जी, जिनका जिक्र हो रहा था कि इन्हीं की वजह से हम आज लेट हुए में काफी ज्यादा, वरना हम काफी जल्दी फ्री हो जाते हैं। ये वो हस्ती, ये आप देख लें, हर साल ये टाइम पे आते थे, लेकिन इस साल माशाल्लाह काम हैवी है, लिफ्ट नहीं करा रहे। 12 बजे आए हैं। 12 बजे आए हो तो कितने 6-12 बजे तो कितने 12 बजे आना सुबह। बहुत अच्छे, ये देख रहे हैं आज हमारे पीछे पड़ गए, आगे हम नमाज पढ़ के आए थे, तो ठीक है। वजह ये है कि अपनी भी माननी चाहिए, किसी की भी माननी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम हमेशा इन्हीं की मानते हैं, जैसे मैंने इनकी माननी है,
इन्होंने आज पहली दफा मेरी मानी है, चाय पी ले। चले आप माने जी, चाय पिए। थैंक यू। चाय पिए आप। टीवी जानी है, थाने आनी है। वेलकम बैक जी। अब गामजन होने लगे हैं हम एक नए मिशन पे, और वो नया मिशन है वो है ये, क्योंकि जिस जिसका हिस्सा है वो उस तक पहुंचाना लाजम है, तो अब मैं उसके लिए निकलने लगा हूँ। और दरमियान में ऐसा बहुत कुछ हुआ कि जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, यानी कि बच्चा पार्टी ने पूरी हलवा इंजॉय किया, फिर उसके बाद बेगम पाक ने जो है वो है कलेजी बनाई, ठीक है। तो हाँ, उसकी पिक्चर मैं मस्त आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वो बनी बहुत मज़े की थी, लेकिन उस टाइम हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी थी कि बस ये था कि बस अब फौरी कुछ ना कुछ जो है ना वो मिल जाए खाने। तो चलें अब निकलते हैं। तो जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ पर आप भी जा रहे हैं, तो आ जाएँ, चलते हैं। जी, अब मैं पहुंच चुका हूं अपना खत वगैरह बनवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी हालत ख़राब थी, तो अब उसको दुरुस्त करने के लिए ये वाले जो भाई साहब मैंने पीछे, ये टाइम नहीं देते जल्दी भी है, तो आज मैंने बस अचानक रेट मारी तो जाके ना ये भाई साहब मुझे मिले हैं, वरना ये मिलते नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये 10-12 दिन हो चुके हैं जो मेरी हालत है, और उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता है अक्सर, लेकिन अब ये है कि अब हम आपके सामने ये भाई साहब खत बनाएंगे, भाई का आपके, और फिर देखते हैं कि फिर हमारी लुक कैसी करती है। चलें भाई जान, मिशन स्टार्ट करें जी। तो अब आपके सामने मेरी लुक है, भाई साहब ने कितना चेंज कर दिया है, और खत वत अच्छे से बना दी हैं, और बाल भी थोड़े बहुत ठीक ठाक से कर दिए हैं, तो उसके लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं सर, कि आपने हमें थोड़ा सा हसीन बना दिया। हंस भी लिया करो, की हो गया, डरे सहमे सहमे ही रहते हो, हैं? ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया जी, मैं कैमरा ऑन हुआ बत्ती गुल हो गई, ठीक है। चले जी, चलते हैं अब, और इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। तो अब तैयारी पकड़ के जा रहे हैं मॉम की तरफ, और दरमियान वाले भाई साहब आपको लग रहे होंगे कि थोड़े नींद नींद में, क्योंकि दो दिन से यही काम चल रहा था, रात को बकरा जी के साथ और दिन में भी बकरा जी के साथ। तो अब आज का दिन ये था कि भाई साहब बस जैसे ही कुर्बानी हुई है फौरी जाके 2-2.5 बजे स्लीपिंग साइड पे चलेंगे, और ये अब उठे हैं, ठीक है। और हम जो थे हम काम कर रहे थे, ये आराम फरमा रहे थे, और साथ में बाकी आपके आपको नजर आ रही होंगी कि वो भी थोड़ी सी फ्रेश हैं, लेकिन बस मैं हूँ कि आज आप ये देखें कि मैं 3 बार नहाया हूँ। सुबह नमाज पढ़ने जाने की तब नहाया, फिर जब कुर्बानी के बाद जाना था जो जो भी हिस्से देने जाने थे वो देने गया, तब ना आगे गया क्योंकि नींद ना आए। अब मॉम की तरफ जा रहा हूँ, अब फिर ना आगे जा रहा हूँ, क्यों? मुझे नींद ना आए, क्योंकि नींद इस टाइम फुल टाइम के समझे आ रही है, और दो दिन से सो के नहीं देखा हुआ, वापस ऐसे ही है कि बस जाना है और बस जल्दी जल्दी करना है जो भी करना है। तो आज हम मॉम की तरफ चलते हैं, फिर उधर चल के सब सुनते हैं। ये देखें, ये एक नई लड़की आई है, इसका नाम है इशार। इदलाओ फिनी, इदलाओ इदलाओ चिकन के लिए। ये दोनों मिंट मार्केटा हमारे लिए रेडी हो चुके हैं, और ये साथ में दो दस तोड़े, और ये साथ में दानी साहब भी आ चुके हैं, ठीक है।